अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अली राजपूत फ्रॉम sharmistore.com। सो स्पाई की गैजेट्स को मद्देनज़र रखते हैं, आपके लिए मैं बहुत सारे गैजेट्स का ऑलरेडी रिव्यू लेकर आ चुका हूँ। सो आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्पाई कैमरा कैप का रिव्यू। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कहा था कि आपने बहुत सारे कैमरा गैजेट्स का रिव्यू किया है। सो एक कैप वाला कैमरा आता है, उसका भी आप रिव्यू करके हमें दिखाएँ। इसके अलावा एक दो और क्वेश्चंस और भी हैं। सो मैं व्यूवर्स वन बाय वन करके जितने भी जो स्पाई कैम्स हैं, जो मिनी कैम हैं, सर्विलेंस कैम्स हैं, सबका आपके लिए मैं रिव्यू लेकर आता रहूँगा। सो आज आपकी फरमाइश में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्पाई कैमरा कैप का रिव्यू, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी कैप है। इसके फ्रंट पर आप देख सकते हैं इसका कैमरा है, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ये HD कैमरा है। और व्यूवर, इसका जो बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि ये वाईफाई ऑपरेटेड है। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कहीं से भी जाकर इसका लाइव व्यू ले सकते हैं। लेट्स सी कि अगर आपने किसी को ये वॉच, जिस किसी को ये कैप वे करवाई है और उसका जो वाईफाई के वहाँ उसके अराउंड में जो वाईफाई राउटर है उसके साथ अगर आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो जो सेकेंड पर्सन है वो किसी दूसरे सिटी में भी अपने मोबाइल का डाटा ऑन करके इसका लाइव व्यू ले सकता है अपने मोबाइल फ़ोन पर। वो कैसे ले सकता है, वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसको कैसे वाईफाई के साथ पेयर करना है, तमाम जो डिटेल्स हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। साथ में इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे। सो इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, तो व्यूअर्स, इसका बॉक्स ओपन करने से पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, तो ये इसका बॉक्स है जिसके ऊपर कुछ आपको पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। नीचे वाली साइड पर कुछ आइकन दिए गए हैं। उसके अलावा बैक पर भी इसके कुछ फीचर्स को बताया गया है, वीडियो रिकॉर्डर, IP कैमरा सपोर्ट, AP P2P मोड, मीन टू से कि अब वाईफाई के थ्रू इसको कहीं से भी देख सकते हैं। HD रिकॉर्डिंग करता है, जो इसका रिकॉर्डिंग टाइम है 4.5 आवर्स है। उसके अलावा चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखने को। तो ये इसमें से इसका मेन कंपोनेंट है वो निकला है, जो कि बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की एक कैप है। इसके फ्रंट पे न्यूयॉर्क फोर्स लिखा गया है, यूनाइटेड स्टेट्स। सो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की ये कैप है, जिसके अंदर आपको एक कैमरा मिलता है जो कि HD रिकॉर्डिंग विद वॉइस करता है। सो इसके अंदर चलते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है वो आपको मैं दिखाता हूँ। उससे पहले मैं दिखाऊँ कि इसके बॉक्स के अंदर और क्या क्या मिलता है आपको। बॉक्स के अंदर आपको एक मिलता है मैनुअल, जिसके अंदर इसकी एप्लीकेशन की डिटेल्स और अदर इसको वर्किंग कैसे करनी है उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है। साथ में आपको एक बहुत ही अच्छी चार्जिंग केबल मिलती है, जिसके थ्रू आप अपने इस कैप की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं बॉक्स में और क्या मिलता है आपको। बॉक्स में मिलता है ये एक CD, जो कि ड्राइवर की CD होती है। अमूमन अगर आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस CD को इंस्टॉल करके इसकी वर्किंग वहाँ पर भी आप आउटकम ले सकते हैं। सो चलते हैं अपने मेन कंपोनेंट की तरफ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसका मेन कंपोनेंट ये बहुत ही अच्छी कैप है, जिसके अंदर आपको कैमरा दिया गया है। अब इसके कैमरे को किस तरह चलाना है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, उसको चार्ज किस तरह करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए। व्यूअर्स, देख सकते हैं कि जैसे हम इसको बैक साइड पर करते हैं, तो अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर अप किया गया है। इसका जो मैकेनिज्म है, आप ऐसे इसको टाई अप करते हैं, तो उसके बाद आपको जो इसका मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसमें ऑन ऑफ का बटन आपको मिलता है फ्रंट पे। उसके अलावा रीस्टार्ट का बटन मिलता है। यहाँ आपको चार्जिंग केबल का पोर्ट मिलता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने कनेक्ट करना है। और ये फ्रंट वाली साइड पर आपको मिलता है इसका मेमोरी कार्ड का स्लॉट। सो व्यूअर्स, इसको चार्ज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है। जिसके साथ चार्जिंग केबल आती है, आपने उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने USB साइड किसी भी आप चार्जर में लगा सकते हैं, कोई भी आपका मोबाइल चार्जर होता है। लाइक जैसे मेरे पास ये आईफोन का चार्जर है, इसमें मैं इसको यहाँ से लगा लेता हूँ। और जो ये साइड है आपने वो इसके अंदर प्लग इन करनी है इस तरह से। सिर्फ जैसे ये प्लग इन हो जाती है, उसके बाद आप इसको अपने 220 जो आपकी सॉकेट होती है उसमें लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग के दौरान आप देख सकते हैं कि मैंने इसको भी चार्जिंग पे लगाया, तो अंदर ही एक लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर जैसे मैं चार्जिंग से उतारता हूँ, ये लाइट ऑफ हो जाती है। सो अब ये मोबाइल के साथ कैसे पेयर होगा,
वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को कंटिन्यू रखिए। मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ कि मोबाइल के साथ ये कैसे वर्क करता है। सो व्यूवर्स, इसको चलाने के लिए आपने सबसे पहले काम ये करना है कि अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नेम होगा यूसी कैम, जो कि अभी आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में। ये यूसी कैम के नाम से अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और उसके बाद आपने करना यह है व्यूवर्स के जो आपकी कैप पे ऑन का बटन है उसको ऑन करने के बाद आपने जाना है अपने वाईफाई में। सो व्यूवर्स, वाईफाई में आपको आपकी जो कैप का वाईफाई होगा वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने इसको पहले कनेक्ट कर लिया है, इसलिए जस्ट आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको कनेक्ट करना है। मैंने चूँकि पहले कनेक्ट कर लिया इसलिए मुझे दोबारा कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे डायरेक्ट अपनी ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया यूसी कैम आपने ऐप करनी है, तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं यहाँ पे आता है क्लिक हेयर टू ऐड कैमरा, आपने क्लिक करना है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, बट आपने लेंस सर्च में आना है जो कि यहाँ पर सेकेंड पर आपको देखने को मिलता है। आप लेंस सर्च पे आते हैं तो कुछ देर में आपका जो वो मैं आपको वाईफाई जो दिखा रहा था वो यहाँ पर ये कनेक्ट कर लेता है, शो कर लेता है। उसके बाद व्यूअर्स, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड भी दे सकते हैं। मैं भी इसको पासवर्ड देकर इतनी वीडियो को लेंथी नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं विदाउट पासवर्ड ही इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही आपको यहाँ पर ये शो हो जाए आपकी आईडी और यूज़र नेम एडमिन, तो आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है। सो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मुझे शो होना स्टार्ट हो गया है कि जो मेरे कैप का कैमरा है वो ऑन हो गया है। सो अब चलते हैं, इस कैप की जो वीडियो क्वालिटी है HD क्वालिटी है उसका मैं प्रिंट आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि जो कैमरा है इस टाइम ऑनलाइन हो गया है मेरे मोबाइल फ़ोन में। अब आप जस्ट इसके प्रिंट की क्वालिटी को मेजर करें, ये बहुत ही HD क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे इस टेबल पर पड़ी हैं, और आप देख सकते हैं कि कितनी गुड क्वालिटी में ये कैमरा इन चीज़ों को यहाँ पर शो करवा रहा है। इसके कैमरे में कहीं से आपको लैग भी नहीं मिलेगा, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट मेरे इस टाइम ये टेबल पे पड़ी हैं वो ये कैप के कैमरे के थ्रू मैं आपको यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। सो व्यूवर्स, इस तरह से इस कैप के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कैमरे को चलाने के बहुत सारे कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि ये है, इससे आप अपने कैमरे की स्क्रीन को किसी भी तरह से टर्न कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेंटर में ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट वगैरह को अपने मर्ज़ी से चेक कर सकते हैं। मिरर का ऑप्शन दिया गया है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से आप इसको HD और SD क्वालिटी में चला सकते हैं। इस टाइम मैं आपको HD क्वालिटी में चला के दिखा रहा हूँ। सो नीचे चलते हैं व्यूवर्स, ये बिल्कुल वॉइस के साथ आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करता है। लेट्स सी कि मैं अगर आपको यहाँ से ये इसका जो स्पीकर का ऑप्शन है इसको मैं ऑन करके चेक करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी गुड क्वालिटी से ये अपनी जो साउंड है वो आपको प्रोवाइड करेगी। इतना जो साउंड है वो भी आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे सुनाती है। इससे पहले वॉइस डबल हो जाए इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। व्यूअर्स, जो यहाँ पर ऑप्शन है इसको आप जैसे ही दबाते हैं ये आपकी इस जो कैप है इसके कैमरा में जो रिकॉर्डिंग है वो अब आपकी उसकी वीडियो बनाना ये रिकॉर्ड स्टार्ट कर देती है। जैसे मैं इस बटन को दबाता हूँ, अगर आपने SD कार्ड डाला है तो वो रिकॉर्डिंग आपके SD कार्ड में सेव होगी, अगर आपने SD कार्ड नहीं डाला तो रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल में सेव हो रही है। उसके अलावा इस साथ आपको एक कैमरे का निशान दिया गया, इसको दबाते हैं तो ये पिक्चर स्नैपशॉट ले लेता है यहाँ से। सो ये इसका ऑल ओवर प्रोसीजर है। इस टाइम ये वाईफाई के साथ भी कनेक्ट है, और अगर आप इसको अगर दूर जाके किसी तरीके से आप इसका व्यू लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। सो व्यूअर्स, अब बात आती है कि इस कैमरे को आपने वाईफाई के साथ अटैच करना है, मीन टू से कि जहाँ पर ये आपने कैप रखी होगी वहाँ पर अगर आपका वाईफाई का राउटर लगा होगा ये कैप उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप अपने मोबाइल से लाइव व्यू ले सकते हैं कहीं भी, किसी भी वक्त, कहीं पर भी जाके, चाहे आप जितना मर्जी डिस्टेंस पर हों। तो उसका तरीका क्या है, इसको आपके वाईफाई के साथ कैसे पेयर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। आपने यहाँ से बैक, सो व्यूवर्स, अब इसको वाईफाई के साथ कैसे पेयर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही ईजी प्रोसीजर है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आप मेन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही अपना रिज़ल्ट क्लियर आपको प्रोवाइड करती है, जैसे छोटी स्क्रीन में प्रोवाइड करती है। तो चलते हैं, वैसे तो मैं जो वीडियो है उसके एंड पे इसके जो वीडियो सैंपल्स होंगे वो मैं मस्ट आपको एंड पे प्रोवाइड करूँगा, वीडियो को एंड तक कंटिन्यू कीजिए। सो अब मैंने आपको इसको वाईफाई के साथ कैसे पेयर करना है वो आपको दिखाना है व्यूवर्स।
सो जैसे इस मेन्यू से अगर आप इसको बैक करते हैं इस मेन्यू पर, तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का निशान आता है, आपने सेटिंग्स का निशान दबाना है। यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा आपको। सो जैसे ही यहाँ पर राउटर अपने आप को सर्च करता है, सो आप देखते हैं जो भी आपके कैमरा इसके कैप के अराउंड में जो आपको राउटर प्रोवाइड हुआ होगा, जो भी सिग्नल वाईफाई के जो भी ज़्यादा होंगे, वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे 99 बैंड्स के साथ, जिस तरह मेरे यहाँ पे डायनेमिक नेट शो हो रहा है। सो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ही मेरे से पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड मांगने के बाद आपने इसको दो बार नेक्स्ट करना है। लेट्स सी, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, पासवर्ड दिया नेक्स्ट और नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड टाइम नेक्स्ट, यू वर सेटिंग सक्सेसफुल। यहाँ पर थोड़ी देर ये बूट पे जाएगा, बूट पे जाने के बाद ये आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। सो व्यूअर्स, ये तो था इसका आज का कंप्लीट प्रोसीजर, इसको कैसे गाइड किया गया मैंने आपको, जैसे ही आपको गाइड किया गया कि मोबाइल के साथ कैसे पेयर होगा और आपके वाईफाई राउटर के साथ कैसे पेयर होगा। सो व्यूअर्स, ये तो था आज का इस कैप कैमरा का कंप्लीट रिव्यू। सो इस कैप को ऑर्डर करने के लिए आप sharmistore.com वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो, इस कैप को ऑर्डर करने के लिए जो सेम एज तरीकाकार है, वेबसाइट पे विज़िट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पुट कर दिया है। सो, वहाँ पर इसको आपको इसकी जो लेटेस्ट प्रोवाइड है, वहाँ लेटेस्ट प्राइस है, वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स, टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।